बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं R7 लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी। यूपी के रायबरेली में गुरुवार की सुबह लालगंज तहसील क्षेत्र के बहाई गांव के पास उस समय एक हादसा हो गया जब बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन सामने से आ रही कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के चालकों के साथ ही बच्चे भी घायल हो गए। आनन फानन आसपास के लोगों ने घायलों को इलाज के लिए CHC लालगंज भिजवाया, जहाँ घायलों का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार जिले के लालगंज तहसील क्षेत्र में संचालित एक निजी स्कूल के बच्चों को लाने के लिए वैन का इस्तेमाल करता है। ये वैन स्कूली वाहन के मानक पूरे नहीं करती। आज जब वैन बच्चों को लेकर स्कूल वापस आ रही थी तो बहाई गांव के पास सामने से आ रही एक कार टकरा गई, जिसमें वैन के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद दोनों वाहनों के चालकों समेत 10 लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और घायलों को आनन फानन इलाज के लिए सिस्सी लालगंज पहुँचाया गया, जहाँ 7 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। आइए देखते हैं राम सनेही यादव की ये रिपोर्ट। अच्छा, बहाई के पास कोई दुर्घटना ही क्या है पूरा मामला? एक कार और जो है एक स्कूली वैन में जो है टक्कर हुई है, जिसमें 10 लोग घायल थे और 7 लोग गंभीर रूप से घायल होने की वजह से CHC लालगंज से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली रेफर किया गया।